कैसे हैं आप लोग? आशा है सभी लोग सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, हमने हिस्ट्री का एक मॉड्यूल दिया था एंड उसके ऊपर हमने कई सारे क्वेश्चंस भी दिए थे। 18 डे का वो पूरा शेड्यूल था और आप सभी फ्रेंड्स ने इसे सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया होगा, तो इसके लिए आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अब आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि इस 18 डे के बाद आप मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जो 20 क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी के अंदर, उसको आप आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। बस करना क्या है कि अब रिवीजन आगे करते रहना है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सेकेंड मॉड्यूल के साथ अवेलेबल हैं और ये जो सेकेंड मॉड्यूल होगा वो होगा ज्योग्राफी से रिलेटेड। बिल्कुल सही सुना आपने, ज्योग्राफी से रिलेटेड ये सेकेंड मॉड्यूल होगा। हमने अभी एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री को छोड़ा है क्योंकि लगातार हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है, तो इसलिए मैंने अभी एंशियंट मेडिवल को छोड़ा है। और अभी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे आप लोग के साथ, वो स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी सेक्शन को। तो ज्योग्राफी सेक्शन के लिए हमने जो आपको टोटल डिसाइड टोटल जो डेज दिया है वो है 15 डेज, ठीक है। इस 15 डेज के अंदर आपको क्या करना है, तो 15 डेज के अंदर आपको तीन जो ये डिवीजन है ज्योग्राफी का, वो तीनों डिवीजन आपको कंप्लीट करना है। तो कौन कौन सा डिवीजन है? फर्स्ट जो है वो है आपका फिजिकल ज्योग्राफी का, सेकेंड है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, एंड थर्ड है वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि मैप का, और थर्ड जो है वो है आपका ये इंडियन ज्योग्राफी का। साथ के साथ फ्रेंड्स, अभी लाइव क्लासेस भी चलेंगी। आप सभी लोगों ने जो टाइम बताया था उसके अकॉर्डिंग सारे लोग 9 बजे जो है वो बिल्कुल सभी लोगों के लिए उचित समय है, तो 9 बजे हम लोग इसका टाइम रख रहे हैं। और 25th से यानी कि कल से हमारा जो ज्योग्राफी का जो लेक्चर है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो बी ऑन टाइम, सब लोग 9 बजे रेडी रहेंगे। और 9 बजे करना क्या है, आप लोग को किसके साथ स्टार्ट रखना है, किसके साथ स्टार्ट करना है, तो एटलस के साथ। तब तक आप इस मॉड्यूल को भी फॉलो करते रहिए, वो 1 घंटा आपके आपके साथ एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। कितने कितने टाइम देने, कौन कौन सा क्या क्या करना है, इसकी चर्चा यहां पर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो मॉड्यूल अपने स्टार्ट हो रहा है वो किसका स्टार्ट हो रहा है, ज्योग्राफी का, भूगोल का, मॉड्यूल 2 है, ठीक है, मॉड्यूल 2 है। अभी तक फर्स्ट मॉड्यूल मॉडर्न हिस्ट्री का हम लोग कर चुके हैं। टाइम कितना देना है, अगेन फिर से वही 4 आवर्स है ना, एंड इसके साथ 1 आवर का आपको क्या करना है, करेंट अफेयर्स पढ़ना है। तो ये 1 आवर का करंट अफेयर्स कहां कौन पढ़ना है, सो देखिए फ्रेंड्स आप लोग, क्योंकि इस साल पेपर होने वाली है तो आप लोग अभी देख जाएंगे परफेक्शन आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर, जो कि क्या है, मैगजीन्स परफेक्शन आईएएस करके है। इस टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो आपको हर मंथ का मैगजीन मिल जाएगा। तो स्टार्ट क्या करना है, करेंट अफेयर्स के सेक्शन में आपको स्टार्ट क्या करना है, जुलाई से जो मैगजीन का मंथली मैगजीन जो दिया हुआ है उसको आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अभी अगस्त का महीना चल रहा है और 2-4 दिन में आपको अगस्त का भी जो मैगजीन होगा वो अवेलेबल हो जाएगा। तो अभी जुलाई का है और इस वाले मॉड्यूल के साथ साथ आप लोग जुलाई का जो करंट अफेयर्स है ये 1 आवर में आप उसको कंप्लीट कर लेंगे। साथ के साथ डेली करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ना है। तो 4 घंटे, 1 घंटे, 5 घंटे और 1 घंटे इस बार मैं आपसे एक्स्ट्रा मांग रहा हूं, वो 1 घंटे किस चीज के लिए होगा, तो ये 1 घंटा जो होगा ये रिवीजन के लिए होगा। और ये रिवीजन क्या होगा, तो ये रिवीजन होगा जो आपने पढ़ लिया है उसका नाम है मॉडर्न हिस्ट्री। बिल्कुल आप लोग को घबराना नहीं है, आप लोग को थोड़ा सा मोनोटोनस भी नहीं होना है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री जो आपने पढ़ा है इसको रेगुलर बेसिस पर, ये जो मैं आपसे 1 घंटा मांग रहा हूं, इस 1 घंटे में आपको मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन कर लेना है। अगर आप इसको करते रहेंगे तो जो अभी आपने 18 डेज दिया था मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ये आपका क्या होगा, सफल हो जाएगा। और आपकी आपने जो भी चीजें पढ़ी होंगी, अब इस बार जब आप मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपको काफी सारी चीजें याद रहेंगी और इस बार आपको रिस्पेक्टिवली काफी कम टाइम लगेगा। मुझे इतना पूरा विश्वास है कि ये जो 15 डेज का ज्योग्राफी का मॉड्यूल होगा, इस 15 डेज में आप मॉडर्न हिस्ट्री को कम से कम 50% जो है वो आप जरूर कंप्लीट कर लेंगे। तो इस बार आपको क्या करना है, मॉडर्न हिस्ट्री का 1 घंटा मुझे देना है, 1 घंटा आपको करंट अफेयर्स मैगजीन के लिए देना है और 4 आवर्स आप ज्योग्राफी के लिए दे सकते हैं। जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं वो लोग थोड़ा सा यहां कर सकते हैं कि ये वाला जो 1 आवर है इसको आप और किसी तरीके से मैनेज कीजिए और 5 आवर्स मुझे दीजिए रिवीजन प्लस 4 आवर्स का जो आपका ज्योग्राफी का सेक्शन है, या थोड़ा सा आप
तेजी से पढ़िए, स्पीडली पढ़िए और इसको 3 आवर्स में इसका काम जो है कर लीजिए। करना क्या क्या है, कैसे कैसे करना है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैंने बताया कि ज्योग्राफी के लिए सबसे पहले बुक्स, तो बुक्स पहले भी मैं बता चुका हूं, आप सभी को चाहिए क्या, एटलस। सभी लोगों के पास एटलस होना चाहिए। आप लोग ओरिएंट ब्लैक स्वान का एटलस या फिर ऑक्सफोर्ड का एटलस ले सकते हैं, दोनों ही उतने ही बेहतर हैं, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी की बुक्स लेनी है आपको, 11th और 12th की। मैंने ज्यादा रिसोर्सेज के लिए मना किया था और आई होप आप लोग अगर इसको फॉलो कर रहे हैं तो एनसीईआरटी 11th एंड 12th के साथ आप लोग चल रहे होंगे। तो मॉड्यूल पर आते हैं कि अब मॉड्यूल में करना क्या है फर्स्ट डे। और इस बार मैं एक चीज और कर रहा हूं कि हर 3 दिन के बाद मैं आपके सिलेबस के एक्सप्लेनेशन के लिए आऊंगा कि हाँ 3 दिनों में आपने जो पढ़ा है अगले 3 दिनों में कहां कहां से पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला डे फर्स्ट के साथ। तो जो अपना डे फर्स्ट होगा इसमें आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है किस चीज के साथ, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ स्टार्ट करना है। एंड इन दिस वर्ल्ड ज्योग्राफी सबसे पहले आपको साउथ अमेरिका, सब लोग पढ़ेंगे साउथ अमेरिका के, साउथ अमेरिका के का जो वर्ल्ड ये मैप है उसको देखेंगे एंड इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है उसको अंडरलाइन करेंगे। प्लस इसके साथ आपको क्या करना है, तो साउथ अमेरिका के साथ नॉर्थ अमेरिका भी पढ़ लेना है एंड इसके साथ आपको ऑस्ट्रेलिया। तो ये 3 जो कंटिनेंट्स है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये डे फर्स्ट में आपको कर लेना है। साउथ अमेरिका का क्या पढ़ना है, तो फिजिकल मैप प्लस पॉलिटिकल मैप, सिंस उसी तरीके से सिमिलरली आपको नॉर्थ अमेरिका का भी फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप, ऑस्ट्रेलिया का भी फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप, दोनों इसको क्या करना है पढ़ लेना है। डे 2 में कैसे करेंगे, तो ये एक क्वेश्चन उठता है कि सर इसको करेंगे कैसे, है ना, ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह को करेंगे कैसे। तो इसके लिए आपके पास एटलस होना चाहिए एंड एटलस के अंदर आपको ये बस देखने आना चाहिए कि बड़े बड़े कौन कौन से मैप कहां पे रखे हुए हैं। जैसे कि आपको माउंटेन्स का होगा, उसी तरीके से आपको ये रिवर्स का होगा, तो रिवर्स कहां पे है, माउंटेन्स कहां पे, बस उसको अंडरलाइन करते जाना है। और आपको इसके लिए आपको आपके पास क्या होना चाहिए, तो एक हाईलाइटर जो होता है ना, वो हाईलाइटर होना चाहिए। रिवर कहां से निकल रहा है उसका पॉइंट देखना है, कहां पे गिर रहा है उसका पॉइंट देखना है। आप थोड़ा सा गूगल का भी हेल्प ले सकते हैं, जो रिवर्स आपको दिखे, लाइक कि आपको अमेज़न दिखा तो अमेज़न का माउथ कहां पे, वो डिस्चार्ज कहां पे हो रहा है, ओरिजिन कहां पे हो रहा है, ये सारी चीजों को आपको क्या करते रहना है, देखते रहना है। तो फर्स्ट डे में आप 3 चीज कर सकते हैं, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, ये 3 चीजों को आपको करना है। डे 2 के अंदर आपको क्या करना है, तो डे 2 के अंदर आपको करना है अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को देखना है, ठीक है। अफ्रीका के साथ साथ और क्या देखना है आपको, अफ्रीका सबसे पहले देखेंगे, अफ्रीका के बाद जो आपको देखना है वो देखना है यूरोप को, है ना। तो डे 2 में आपके पास 2 ही कंटिनेंट है, अफ्रीका एंड यूरोप, ये 2 कंटिनेंट को देखना है। फिर सिमिलरली हम लोग डे 3 की बात कर लेते हैं, तो डे 3 के अंदर हम लोग को फिर से 2 कंटिनेंट देखना है, जो सबसे बड़ा कंटिनेंट है वो है अपना एशिया, तो एशिया को सभी लोगों को देखना है एंड इसके बाद पोलर रीजन जो है, ठीक है, पोलर रीजन जो है इसको आप लोग को देखना है। तो पोलर रीजन के अंदर क्या है कि आपको अंटार्कटिका और आर्कटिका, इसके बाद आर्कटिक, इसके बारे में देखना है। तो ये डे 3 तक हमने इसको क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक और समस्या आती है इस मैप के अंदर कि सर इसको करे कहां से, इसके लिए नोट्स नहीं मिलता है। तो मैं नोट्स कोशिश करूंगा कि कल शाम तक यानी कि 25th ऑफ अगस्त के इवनिंग तक आपको अवेलेबल करा दूं कमेंट सेक्शन के अंदर। अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है उसका PDF वगैरह जनरेट करने में, तो आप कल शाम तक वेट कीजिएगा, उसके बाद ही हमारे जो नंबर है उस पर रिंग कीजिएगा। ये पूरे हमारी कोशिश रहेगी कल शाम तक आपको वो अवेलेबल करा दे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये 3 कंटिनेंट, 3 का सारे कंटिनेंट्स हो गए। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं किसके साथ, फिजिकल ज्योग्राफी के साथ। तो जो भौतिक भूगोल है, फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल, तो ये जो भौतिक भूगोल है इसका बेसिकली 3 पार्ट होता है, आप लोगों को पता होगा, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियनोग्राफी, है ना, एंड क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डे 4 को ले लेते हैं। तो डे 4 के अंदर जो स्टार्ट करना है हम लोग को किसको, जियो मॉर्फोलॉजी को, यानी कि इसको कहा जाता है भू आकृति विज्ञान। क्या कहा जाता है, भू आकृति विज्ञान। तो ये जो भू आकृति विज्ञान है इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ लेना चाहिए डे 4 के अंदर, तो सबसे पहला जो चीज है जो पढ़ना चाहिए वो है आपको
कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है, यानी कि महासागरीय महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो ये कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो आपको पढ़ लेना चाहिए। इसके बाद सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, समुद्री अधस्थल विस्तार सिद्धांत, और इसके बाद जो है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ये तीन चीज आपको डे फोर के अंदर कर लेना चाहिए। डे फाइव की बात कर लेते हैं, तो डे फाइव के अंदर जो भी कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स हैं, ठीक है, लाइक की भूकंप, ज्वालामुखी, ठीक है, सुनामी, ठीक है, अर्थक्वेक, वोल्केनो और सुनामी, ये तीन चीज आपको डे फाइव के अंदर कर लेना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, ठीक है। तो डे फाइव तक हमने देख लिया था, डे सिक्स के अंदर हम लोग को क्या देखना है? तो डे सिक्स के अंदर जो है ना, बेसिकली आपको कम से कम देखिए, जो ये आपको जो अभी तक जो भी हमने देखा है वो इंटरनल फोर्सेस के कारण हो रहा था, ठीक है। तो दूसरा जो है एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण जो भी चीजें होती हैं, जैसे कि एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण क्या क्या होता है इसके बारे में। तो डे सिक्स के अंदर क्या करना था हमने, कि जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस है उसके कारण जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो भी मैकेनिज्म होता है, लाइक कि अपरदन होता है, निक्षेपण होता है, इन सभी के बारे में आपको डे सिक्स के अंदर पढ़ लेना चाहिए। साथ के साथ कुछ क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है। तो बहुत डीपली स्ट्रक्चर के अंदर नहीं जाइए कौन कौन सा स्ट्रक्चर, लेकिन आपको ओवरव्यू होना चाहिए कि हाँ ग्लेशियर से कौन कौन सा स्ट्रक्चर बनता है। अभी तक तो क्वेश्चंस नहीं पूछे, लेकिन आपको कहीं ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, रिवर्स के कारण जो होता है वो कौन कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, रिवर का जो है ना वो डिफरेंट स्टेजेस क्या है, उसका यूथफुल स्टेज क्या होता है, गॉर्ज क्या होता है, कैनियन क्या होता है, ये सारी बातें जो है ना वो आपको कहां पढ़ना चाहिए, डे सिक्स के अंदर। मतलब क्या है कि बाहे जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, बाह्य बल और इनसे बनने वाली आकृतियां, तो ये सारा कुछ जो है वो आपको डे सिक्स के अंदर कर लेना चाहिए। एक्सटर्नल फोर्सेस और उनसे जो कई सारी आकृतियां बनती है, रिवर के कारण कौन सा बनता है, आपको ये जो ग्राउंड वाटर है उसके कारण कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, ये सारा चीज जो है ना डे सिक्स के अंदर करना चाहिए। डे सेवन जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है, किसके साथ स्टार्ट करेंगे, जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी के साथ। तो ये जो जलवायु विज्ञान होगा, इस जलवायु विज्ञान के अंदर क्या क्या करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को देखना है कि जो एटमॉस्फेयर है, इसका जो वायुमंडल है उसका स्ट्रक्चर क्या है, जो इसके डिफरेंट लेयर्स हैं, ठीक है, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये सारा कुछ आपको क्या देखना चाहिए फर्स्ट डे के, डे सेवन के अंदर, यानी कि वायुमंडल के परत है ना। तो वायुमंडल के जो परत हैं, इनका कंपोजिशन है, ये सारा कुछ आपको डे सेवन के अंदर देख लेना चाहिए। इसके बाद फिर क्या है, तो एयर सर्कुलेशन है ना, हवाओं का संचलन, हवाओं का संचलन या उससे जो बेल्ट बनता है वो सारा कुछ जो है, डिफरेंट जो बेल्ट बनते हैं वो सारा चीज आपको यहां पर देखना चाहिए। फिर डे एट के अंदर क्या करेंगे हम लोग, तो डे एट के अंदर विभिन्न जो मैकेनिज्म है, जैसे कि वर्षा कैसे होता है, बादल कैसे बनते हैं, ठीक है, तो बादल का बनना है ना, वर्षा का होना, चक्रवात, प्रति चक्रवात, ये सारा कुछ जो है वो हम लोग कहां पढ़ेंगे, डे एट के अंदर। सिमिलरली डे नाइन के अंदर क्या करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इससे बीपीएससी में क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। तो डे नाइन के अंदर है क्या, तो जो जलवायु के जो वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण के बारे में कि डिफरेंट चाइना टाइप क्लाइमेट क्या होता है, ठीक है, आपको ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट क्या होता है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट क्या होता है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट क्या होता है, तो ये सारे के बारे में, मतलब कि जलवायु का वर्गीकरण जिसको कहते हैं, तो वो वर्गीकरण जो है ना वो आपको करना चाहिए, ठीक है, कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट्स जो है वो आपको यहां पर डे नाइन के अंदर करना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्टिव से, ये आपको बिल्कुल ही करना चाहिए अच्छे तरीके से। फिर डे टेन की बात करते हैं, तो डे टेन के अंदर आपको
क्या कर लेना चाहिए, डे 10 के अंदर आपको जो भी ओशियनोग्राफी है यानी कि महासागरीय विज्ञान, तो महासागरीय विज्ञान जो है ये आपको डे 10 में हो जाना चाहिए। छोटा सा टॉपिक है, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक है वो भी मैं बता देता हूँ। तो इसके अंदर तो सबसे पहला तो जो भी आपको ये स्ट्रीम्स चलते हैं, जलधाराएं जो चलती हैं, इन जलधाराओं के बारे में पढ़ना है। महासागरीय विज्ञान में क्या है, जलधाराओं के बारे में, ठीक है। और दूसरा जो है वो टाइड्स के बारे में, जो ज्वार होता है इसके बारे में, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के बारे में, कहाँ तक गर्म रहेगा, कहाँ तक ठंडा रहेगा, थर्मोक्लाइन क्या होता है, हेलोक्लाइन क्या होता है, तो वो जो है जल का जो गुण है उसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। तो ये हो गया आपका डे 10 तक का, मतलब कि फिजिकल ज्योग्राफी यहाँ पर कंप्लीट है। अब इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो क्या स्टार्ट करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी के अंदर सबसे पहला जो चीज है डे 11 के अंदर वो है क्या, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, मतलब भारत का विभाजन जो है, विभाजन जो होता है भू आकृतिक विभाजन, भारत का भू आकृतिक विभाजन। अब भारत का भू आकृतिक विभाजन ये आपको कहां मिलेगा, भारत भौतिक भूगोल वाले बुक में मिलेगा। भारत का भू आकृतिक विभाजन का मतलब क्या हो गया कि पहाड़ कहाँ पे है, पठार कहाँ पे है, इन सभी के बारे में आपको है ना, आपको फिजियोग्राफिक डिवीजन आपको डे 11 में पढ़ लेना चाहिए, समझ रहे हैं आप लोग। तो अब डे 12 की बात करते हैं कि डे 12 में क्या क्या होना चाहिए। तो डे 12 में आप रिवर सिस्टम, जो नदी तंत्र है, इस नदी तंत्र को पढ़ सकते हैं, है ना, एंड इसके साथ साथ मानसून को पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपने क्लाइमेटोलॉजी में इसके बारे में काफी कुछ पढ़ा होगा। तो कुछ स्पेशल जो फीचर्स हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे इंडियन ओशियन डायपोल के बारे में आप देख सकते हैं, तो वहाँ वो जो है आपका डे 12 के अंदर हो जाना चाहिए। डे 13 में क्या होगा, तो डे 13 में आपका जो होगा वो होगा वनस्पति, ठीक है, और मृदा यानी कि मिट्टी, ठीक है, सॉइल। तो ये जो चीजें हैं वो आपका डे 13 के अंदर हो जाएगा, बहुत इजी इजी टॉपिक्स है। डे 14 के अंदर क्या होगा, तो एग्रीकल्चर यानी कि कृषि होगा, ठीक है, यातायात होगा, समझ रहे हैं। और उसके बाद जो डे 15 होगा, इस डे 15 के अंदर जो होंगे वो होंगे उद्योग, ये सारे भारत की बात कर रहा हूं मैं, उद्योग होंगे, एंड उद्योग के बाद जो होगा वो आपको खनिज होंगे, ये सारा कुछ आपका डे 15 के अंदर होगा। ये आपका 15 डेज का पूरा एक प्लान है। अब इस 15 डेज के प्लान के बाद आपको करना क्या है, ये जो आपने इसको कंप्लीट कर लिया, इसके बाद आपको एक सेंसस थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, जो जनगणना है वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो सेंसस भी पढ़ लेना चाहिए, और जो इन सभी के अंदर जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं इसको देख लेना चाहिए। तो ये 15 डेज में आप ज्योग्राफी काफी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, आई होप आप सभी लोग अच्छे से इसको कर पाएंगे। और एक चीज जरूर याद रखिएगा कि कल से इसी ज्योग्राफी का 25th ऑफ अगस्त से इसी ज्योग्राफी का हम लोग लाइव लेक्चर यूट्यूब पे शुरू कर रहे हैं, तो आपके कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, आप पूछ सकते हैं, है ना, मैं इंस्टेंटली जवाब दूंगा। एंड इसको अच्छे से कीजिए सारे लोग, मेरा यही उम्मीद है, मेरा यही मेरी यही आशा है कि इस बार जो भी लोग इसको टोटली फॉलो करेंगे उन सभी लोग का फाइनल सिलेक्शन हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय हिंद जय भारत।